हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। मैं आज आपको बताती हूँ कि अपने पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पाएं। ये दो तीन छोटे छोटे से ट्रिप्स हैं, इससे आप भी जैसे ही मेरे पौधों पर सैकड़ों फूल आ रखे हैं एक एक पौधे पर, आप भी ऐसे फूल पाएंगे और आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि हम बाज़ार से पौधा लाते हैं तो उस पर एक या दो कलियाँ आती हैं, उसको हम जैसे ही तोड़ लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे मतलब पौधा मर जाता है, तो इतने फूल तो कभी आते ही नहीं हैं। मैं अपने पौधों पे से डेली ही और सारे फूल तोड़ती हूँ, उसके बाद भी मेरे पौधे ऐसे ही भरे जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे कलियाँ फूल सारे ऐसे ही भरे हुए हैं। उसके लिए मैंने क्या करा, मैं दिखाती हूँ आपको, आश्चर्य होगा। मैंने इसको छोटे से ऐसे ही आटा का जो प्याज उसमें लगाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं बहुत बड़े गमले में या क्या किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ। इसमें दूसरा एक पौधा भी चल रहा है, ये देखिए मेरा। और उसके लिए आपको ना छोटे छोटे टिप्स हैं। जब हम पौधा लाते हैं तो हमारा पौधा इतना होता है तो हम लालच करते हैं कि एक फूल आ गया इसको ना तोड़ें, उस फूल को बिल्कुल ना लें, पिंचिंग कर दें। फिर दो तीन ब्रांच निकलते हैं उनको पिंचिंग कर दें, अपने पौधे को घना बना लें ऐसे ही। घना बना लें और उसको बढ़ने दें। हाँ, एक बात और बताती हूँ, जैसे ही इस सीजन में हमने फूल लिए तो लास्ट सीजन के लिए हम सोचते हैं कि अब ये बेकार हो गया, इसको निकाल के हम फेंक दें। हमें फेंकना नहीं चाहिए। माली क्या होते हैं, आते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे पौधे को निकाल करके फेंक देते हैं, क्योंकि निकाल करके तो हमने एक ही सीजन फूल लिया। ये देखिए दो तीन चार सीजन तक ये फूल देते रहते हैं। बस इनमें क्या है, हमें जैसे ही जैसा जैसा मौसम है उसके हिसाब से वाटरिंग, खाद, और ये ना सोचें कि अब फूल आने बंद हो गए तो पौधा बेकार हो गया, ये तो और भी कीमती हो गया। इससे फिर आप अपने सैकड़ों पौधे ऐसे ही बना सकते हैं। ये जाफरीन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसमें आप देख ही रहे होंगे कितनी मैंने फूल और कलियाँ ले रखी हैं। तो अपने पौधे को पॉट से कभी भी निकाल के फेंके ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सीजन आने के बाद ही हमारा पौधा मर गया, ये तो ऐसे ही हमें फूल देता रहेगा सैकड़ों। मेरे पास तो जितने भी पौधे हैं मैंने सबको ही ऐसे ही तैयार करती हूँ। और जैसे ये गुलदावरी का भी है, इसको भी क्या करते हैं माली, जैसे ही सीजन आया वो निकाल के फेंक देते हैं। हमको इसको एक गमले में सारी गुलदावरी जितने भी हमारे पे कलर की गुलदावरी हैं या पौधे हैं इकट्ठा कर लेना चाहिए। इकट्ठा करके एक गमले में लगा दो, जैसे सीजन शुरू होता है फ्री में पौध तैयार हो जाएगी आपकी, आप औरों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। बस ये तीन चार छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताना चाह रही थी, इससे अपने घर पे आप सैकड़ों फूल पौधे तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए जब इतने फूल आपके पास होंगे ना तो आप हमेशा अपनी बागवानी को देख कर बड़े खुश होंगे, औरों को भी गिफ्ट देते रहेंगे, औरों को भी प्रोत्साहन करते रहेंगे। मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। बीच में इसके मना कह रहा हूँ क्योंकि ना पूरी वीडियो देखने के बाद एक भी बात आपकी छूट जाएगी कि मैंने कब क्या बताया है, तो फिर वो उल्टा ही हो जाता है। कई लोगों ने वैसे वीडियो देख करके बोला कि हमने ऐसे ही लगाया था, तो उन्होंने फिर बताया कि हमने पहिए वाले आपकी पूरी नहीं देखी, ध्यान से देखी तो ऐसी उगाई हमारे भी। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि पूरी वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब कर, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।